हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के पार्ट 9 में हमने कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। वो वाली जनरेशन जो थी वो हमारी पैलर प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड थी फ्रेंड्स। और उस जनरेशन में हमने सी, सी प्लस प्लस और .NET लैंग्वेजेस का क्या किया था फ्रेंड्स, यूज़ किया था फ्रेंड्स, ठीक है। वो जनरेशन हमारी ऐसे जनरेशन थी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ जो क्या थी काम कर सकती थी, जैसे ह्यूमन बीइंग्स काम कर सकते थे वो वैसे ही बिहेव कर सकती थी फ्रेंड्स, ठीक है। उसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जनरेशन टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। और आज हम क्या करेंगे, जनरेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको क्या करेंगे, कवर अप करेंगे फ्रेंड्स। जब भी आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना है, पहले आपने फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक अच्छे से जो भी मैंने आपको वीडियोस बना के दी हैं उनको अच्छे से देखना है, रीड करना है, उसके बाद आपने इस क्विज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है फ्रेंड्स। और नोट डाउन करना है कि आप कितनी चीज़ों को याद रख पाएँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फ्रेंड्स, जो भी कंपोनेंट इसमें यूज़ हुआ है वो मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने उसकी इमेज भी आपको बताई थी। तो फ्रेंड्स याद करने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सा कंपोनेंट था फ्रेंड्स, वो थे हमारे वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ मेमोरी वॉज यूज टू स्टोर डेटा फ्रेंड्स, याद कीजिए कि सेकेंड जनरेशन में आपने कौन सी मेमोरी यूज़ की थी फ्रेंड्स, वो थी आपकी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ मेड ट्रांजिस्टर्स फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था, ट्रांजिस्टर को बनाने वाले हमारे जॉन बार्डिन थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर्स बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर, बताओ फ्रेंड्स वो कौन से कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन से पहले बने थे, उनको मैंने क्या नाम बताया था आपको, तो वो थे फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल। चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिवैक दैट स्टैंड यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड IBM 701 बिलोंग्स टू विच जनरेशन फ्रेंड्स, याद करने की कोशिश कीजिए ये कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते थे। तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको, ये आपके फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करते थे। सिलिकॉन इज अ डैश मटीरियल फ्रेंड्स, बताइए सिलिकॉन किस मटीरियल का बना होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है आपका सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट फ्रेंड्स, याद करने की कोशिश कीजिए मल्टी प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट हुई थी हमारी फ्रेंड्स, ये हमारी स्टार्ट हुई थी थर्ड जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, बताइए फ्रेंड्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको, ये 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेकंड जनरेशन फ्रेंड्स, याद करने की कोशिश कीजिए सेकंड जनरेशन में आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, और मैंने उसकी इमेज भी आपको बताई थी और उसके पार्ट्स भी बताए थे, तो फ्रेंड्स वो थी ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन फ्रेंड्स, बताइए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड को हम कैसे मेजर करते थे फ्रेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में हम उसको मेजर करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैन डू फ्रेंड्स, बताइए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर क्या कर पाते थे, बैच प्रोसेसिंग, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मैंने आपको बताया भी था कि बैच प्रोसेसिंग में कैसे आपका डेटा जो होता है वो बैचेस के फॉर्म में आगे जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, असेंबली लैंग्वेज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फ्रेंड्स, बताइए कौन सी जनरेशन में आपने इसको यूज़ किया था। चलो मैं बताती हूँ आपको, ये थी हमारी सेकेंड जनरेशन फ्रेंड्स। असेंबली लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी, इसको हमने सेकेंड जनरेशन में यूज़ किया था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, टाइम शेयरिंग एंड ऑनलाइन कंप्यूटेशन बिकेम पॉसिबल इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फ्रेंड्स, याद करिए कि टाइम शेयरिंग और ऑनलाइन कंप्यूटेशन का मैंने आपको कौन सी जनरेशन में पढ़ाया था फ्रेंड्स, ये थी आपके थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 14, कंसेप्ट ऑफ कैशे मेमोरी वॉज इंट्रोड्यूस इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर
फ्रेंड्स, कैशे मेमोरी आपके कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी? ये हुई थी फ्रेंड्स आपके थर्ड जनरेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्मूला ट्रांसलेशन यूजफुल इन विच सेक्टर? फ्रेंड्स, कौन से सेक्टर में ये यूजफुल होती है हमारी? ये होती है हमारे साइंटिफिक पर्पस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच जनरेशन फ्लॉपी डिस्क वॉज इंट्रोड्यूस? फ्रेंड्स, कौन सी जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क को इंट्रोड्यूस किया था? फ्रेंड्स, याद करने की कोशिश कीजिए। चलो मैं आपको बताती हूँ, ये इंट्रोड्यूस हुई थी थर्ड जनरेशन में। फ्रेंड्स, अभी तक तो आपने 16 क्वेश्चन तक नोट डाउन कर लिया होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही बताएं और कितने आपके रॉन्ग हुए हैं। चलो फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्राफिक एंड इमेज रिकॉग्निशन आर फीचर्स ऑफ डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, याद करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी जनरेशन में थे। फ्रेंड्स, ये थे आपके फिफ्थ जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज? फ्रेंड्स, कौन सा था मेन करेक्टरिस्टिक, याद करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, वो था हमारा VLSI, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर यूज्ड इन विच जनरेशन? फ्रेंड्स, मैंने इसका आपको डायग्राम भी बताया था और इसकी वर्किंग भी बताई थी थोड़ी सी, तो फ्रेंड्स याद करने की कोशिश कीजिए ये कौन सी जनरेशन में था। फ्रेंड्स, ये था आपका थर्ड जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 20, अल्टियर क्रे 1 आर द एग्जांपल्स ऑफ विच जनरेशन? फ्रेंड्स, कौन सी जनरेशन के एग्जाम्पल थे ये? ठीक है फ्रेंड्स, हम इसका आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे फोर्थ जनरेशन के आंसर्स, जनरेशन का ये हमारे एग्जांपल्स थे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।